cardiology, let's continue. The antenatal patient signs, symptoms and minor ailments. So हम कॉमन कंप्लेन्स ऑफ प्रेगनेंसी को देख रहे थे. नेक्स्ट जो कंप्लेन है वो लेग क्रैम्प्स की कंप्लेन आ सकती है. तो लेग क्रैम्प्स की हो सकते हैं, फर्स्ट तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड अगर एक्यूमुलेट हो गया है तो. सेकेंड उसका रीज़न हो सकता है कि मैग्नीशियम का अमाउंट कम हो गया बॉडी में. थर्ड उसका रीज़न हो सकता है, मोस्ट कॉमनली वो नाइट में होता है, सॉरी ये रीज़न नहीं है, उसका ऑकरेंस जो है ना वो मोस्ट कॉमनली नाइट में होता है, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में उसका फीचर है एक. सो इसमें क्या सजेशन दिया जाता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसका, एक तो मसाज करने बोलते हैं फीमेल को, देन दूसरा हॉट शॉवर देने के लिए बोलते हैं इससे पहले कि वो सोने जाए, बिफोर गोइंग टू बेड. एंड एट द टाइम ऑफ लेग क्रैम्प क्या सजेशन देते हैं कि वो नी को एक्सटेंड करे और डॉर्सिफ्लेक्स करे टो को, तो इस पोजिशन में जाने के लिए उसको सजेस्ट करते हैं. एंड हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं. सो एक क्वेश्चन है वैसे ही इसकी बेसिस पे कि प्रेगनेंट फीमेल को क्रैम्प्स हो रहा है तो क्या एडवाइस देंगे हम एट द टाइम ऑफ लेग क्रैम्प्स. तो इसका आंसर आएगा एक्सटेंड द नी एंड डॉर्सिफ्लेक्स द टो, यहाँ पे गलत लिखा है, टो होना चाहिए. नाउ सिक्स्थ है कार्पेट टनल. तो कार्पेट टनल की कंप्लेंट से भी आते हैं लोग, कॉमन कंप्लेंट होती है प्रेगनेंसी की कार्पेट टनल सिंड्रोम. तो पेशेंट क्या कंप्लेंट आएगा उसमें कि एक तो नमनेस और टिंगलिंग आएगी थंब में, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फ्लूइड रिटेंशन होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है. तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं. तो रिस्ट स्प्लिट लगाते हैं, तो रिस्ट में जो है ना उसको न्यूट्रल या रेस्टिंग पोजिशन में रखते हैं और स्लाइड या फिर स्लाइटली एक्सटेंडेड रखते हैं, उसके बाद स्प्लिट लगाते हैं. और क्या हमको अवॉइड करना होता है इस कंडीशन में, कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन नहीं देना है और सर्जरी नहीं करनी है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना है. और सेवन्थ कॉमन कंप्लेन है बेल्स पाल्सी की. बेल्स पाल्सी की हो जाता है पेरिन्यूरल ईडिमा के कारण हो जाता है, दूसरा हाइपर कोएगुलेशन के कारण हो जाता है, एंड तीसरा इम्यूनो सप्रेशन के कारण हो जाता है. तो इम्यूनिटी कम रहती है इसकी वजह से भी हो जाता है. तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, शॉर्ट टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ट्रीटमेंट देते हैं इसमें और इसको ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे अवॉइड करते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं क्योंकि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस होते हैं. नाउ एक कॉमन जो कंप्लेन है वो बैकएक की होती है. ये 50% ऑफ फीमेल्स में देखी जाती है और ये किस वजह से होती है, तो लैक्सिटी ऑफ पेशेंट की वजह से होती है, सॉरी लैक्सिटी ऑफ जॉइंट के कारण होती है. तो जॉइंट की लैक्सिटी क्यों आती है, रिलैक्सिन या फिर ईस्ट्रोजेन हार्मोन के कारण आती है. देन दूसरा वेट गेन के कारण बैकएक होता है. तीसरा हाइपरलॉर्डोसिस के कारण भी बैकएक होता है. तो हाइपरलॉर्डोसिस मतलब क्या होता है, एक्सेसिव इनर कर्वेचर अगर लोअर स्पाइन का फॉर्म हो जाता है तो उसको हाइपरलॉर्डोसिस बोलते हैं. देन फोर्थ इसका रीज़न होता है फॉल्टी पोस्चर. तो पोस्चर अगर सही नहीं तो उसकी वजह से भी हो सकता है. एंड इसका मैनेजमेंट कैसा होता है, तो एक तो पोस्चर को करेक्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, दूसरा जब वो रेस्ट कर रही हो फीमेल तो लेग्स एलिवेटेड रखे ऐसा सजेस्ट करते हैं, देन थर्ड हार्ड बेड यूज़ करने के लिए बोलते हैं, देन फोर्थ बैक को मसाज करने के लिए बोलते हैं, एंड फिफ्थ एनाल्जेसिक देते हैं अगर ज़रूरत हो तो. तो ये था एंटीनेटल पेशेंट साइंस सिम्टम्स एंड माइनर एलिमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.